मंत्री जी हमारी प्रतिज्ञा कुछ देर में सभी को सुना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। राज्यसभा में पधारे हुए सभी क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी को भी अपनी वीरता पर भरोसा हो मैदान में आए और इस धनुष का चीला चढ़ाए। जो क्षत्रिय कुमार इस धनुष का चीला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपनी बहादुरी के जोर दिखाओ। कितना अपमान है। भारी है तो क्या हुआ, बाकी कमाल है। चाहूं तो एक हाथ से इसे अभी तोड़ दूं। इस बात पर उठाया आसमान है। जिला जड़ा तू एकदम सारों का कर्तव्य है यह तो मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है काम, यह हैरानी है मुझे। लकड़ी का है यह ना कि किसी धात का। Thank you.
बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई, बैठे हैं सिर झुकाए, सबकी ताकत खत्म हुई। आप देखिए कि चलता है चिल्ला कमान का, लो देख लो कि सबकी हवा खत्म हुई। यूक्रेन से चले तीन महान योद्धा जो अपने वायुयान के साथ अभी हमास के अंदर मिले हुए हैं, वो भी इस रूस के लिए अभी समुद्र तट पर अपनी Yeah.
वही ईरान के मान ने कद्दू से पीछा डाल लिया, इन्हें पेट्रोल डाल लिया। अरे मनुष्य क्या चीज है, हत्या
जाएगा रावण के नाम को। कर सकता है हर कोई इस काम को? अरे दिल से निकाल दीजिए इस ख्याल खान को। रावण, तुम्हारी लंका में आग लगी हुई है। क्या कहा? लंका में? हाँ हाँ रावण, तुम्हारी लंका में आग लगी हुई। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ और पहले लंका की आग बुझाता हो, लेकिन भरे सोमन में आज सौगंध ये खाता हो। अरे सीता, क्या हुआ तुझे सोमन में नहीं जीता? लेकिन एक दिन लंका अवश्य दिखाऊंगा। हाय अफसोस, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बचा कि इसकी धनुष को उठा सके। अफसोस होता है कि कोई भी धनुष को उठा नहीं पाया, और अब तो रावण जैसा प्रतापी भी जोर लगा के चला गया। हाय अफसोस, दुनिया में कोई बसे थी। हाय अफसोस, दुनिया में कोई बसे। अब बहादुर नजर मुझको आता नहीं, अब बहादुर मुझको नजर आता नहीं। होता मालूम पहले से ये मुझको अगर, तो स्वयंवर कभी मैं बचा जी।
पारी रही अर्जुन के दिल में हमारी रही। बात पे सब बिगड़े आज सारी गई मगर पछता जबा को लगाता नहीं मगर पछता जबा को लगाता नहीं मगर पछता जबा को लगाता नहीं। जो किया था पढ़ने अब निभाना पड़ा जी जो किया निभाना पड़ा साथ अफसोस के ये बताना पड़ा साथ अफसोस के ये बताना पड़ा। मुझे सीता को घर में जी बिठाना पड़ा इन गवारों को मैं भी बहाता नहीं पर तो बेसक रे चढ़ाई करो मर्द तो तुमको खातिर बेताता नहीं मर्द तो तुमको खातिर मिलाता नहीं। आए अफसोस पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई और क्षत्रिय वंश का हाय अंत हो गया। ये तो बस एक मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अगर मैं पहले से जानता तो हर किस भी स्वयंवर का वायदा नहीं उठाता मगर अफसोस अब क्या हो सकता है। अब मैं जो प्रण कर सका उसको निभाना पड़ा और काक सीता को तमाम उम्र घर में ही बिठाना पड़ा। अब स्वयंवर बर्खास्त मेहरबानी करके आप सभी अपने अपने घर को तशरीफ ले जाइए और औरतों में बैठकर अपनी अपनी सेगी जताइए। कुछ करो होश से बात ऐ राजा जनक जी कुछ करो होश से बात ऐ राजा जनक ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। करनी हर एक की सबको कायर बताना मुनासिब नहीं सबको कायर बताना मुनासिब नहीं सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। अक्षत्री वंश का हो गया खात्मा जी अक्षत्री वंश का जुबा पर भी लाना मुनासिब नहीं ये जुबा पर भी लाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर ऐसी से की जता
ऐसी आफत मचाना मुनासिब नहीं, ऐसी आफत मचाना मुनासिब नहीं। एक लकड़ी से हाथों हर एक को ऐसी चोरी चढ़ाना उसकी कराना मुनासिब नहीं। बंद रखो जबा अब जरा मेहरबान ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। चीज क्या है यह बोधा पुराना धनुष, इस कदर तंदनाना देखते हो
जनक की बच्चवाणी बहुत ही बढ़ती जा रही है। यह समझो कि मौत इसके सर पर मंडरा रही है। लक्ष्मण में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और ऐसे स्वर सुनने की ताकत नहीं। बस आपके हुक्म का इंतजार है। फिर जनक का सर और लक्ष्मण की तलवार है। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। वे मौका देती करना और बिना बात के लड़ना। वे मौका देती करना और बिना बात के लड़ना। नहीं इसमें कोई बड़ाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। जो करोगे तुम नादानी तो कुल की होगी हानि। जो करोगे तुम नादानी तो कुल की होगी हानि। दुनिया में होते हसाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। चिल्ला नहीं
यह तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर और बुजदिल कहने की किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे, जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में भला किस प्रकार फर्क आया। अगर पिताजी सुन लेंगे तो हम दोनों को सख्त सजा देंगे। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें यहाँ लाए हैं। इसमें उनकी बदनामी है क्योंकि इस वक्त वह हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ वह हुक्म दे हमें वही करना चाहिए, और उनकी आज्ञा से बाहर कदम भी नहीं धरना चाहिए। तमाम राजा अपना जोर लगा चुके और अपना सारा बल आजमा चुके, किंतु कोई भी सुस्ता जिंदा नहीं चढ़ा सका। उधर उधर जनक निराश होता जाता है और उसका चेहरा जन-बदन होता जाता है। इसलिए अब स्वयंवर का फैसला करना इसमें ही भलाई है। राम उठो मत देर करो, यह धनुष को तुम्हें उठाओगे, धनुष को तुम्हें उठाओगे तो किसी की नहीं है ताकत, चिल्ला तुम्हें चढ़ाओगे और किसी आजमाओगे।
प्रभु कुलभूषण सब अपना जोर लगा चुके, अब आखिर तुम्हारा वार है और यह कमान शकत है, मगर इस पर तुम्हारी परीक्षा है। गुरु जी आज्ञा आपकी सर माथे मंजूर, गुरु जी सर माथे मंजूर, अब तक तो चुप कर रहा था मैं भी मजबूर, आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, गुरु जी अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात, मुश्किल ये कुछ भी से हर एक मनुष्य करता है, जिसके वास्ते राजा को इतना अभिमान है। साइड मोल रे, अब देखिए इस कमान का कैसे चिल्ला चढ़ता है। दशरथ राजकुमार रामचंद्र जी ने धनुष का चिल्ला चढ़ाया, गुरु जी अब तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई। बेटा, उनके और क्षत्रियवंश की याद रख ले, चल।
जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। महाराज मुझसे यह कसूर हुआ और मेरे हाथ से यह बौद्ध धनुष चकना चूर हुआ। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं। बेशक खतावार हूं, जो सजा दो उसका सजावार हूं। अच्छा अभी बतलाता हूं और इस हिकामत का मजा चुकाता हूं। अजी महाराज क्यों गेंद की बाती उछल रहे हो और बिना बात ही मैदान से निकल रहे हो। वह कमान बिल्कुल गली सड़ी थी और न जाने कब से बेकार पड़ी थी। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो लूह में पीड़ा जाता है। अच्छा अपराधी हमें सही हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो कर ले। शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। गुस्ताख लड़के क्यों चेक चेक करता है। यह तो मेरे गदर से नहीं डरता है। क्यों मुझे ना गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है। बालक क्या हुआ तुझे। क्यों बाल काटा जाता है। मुझे नया नया ब्राह्मण समझा तो मुझे क्या जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान। मैं क्षत्रिय कुल का ही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक में सहने अनेकों बार क्षत्रिय राज बनाई है। मेरे इस लोक कुलारे ने लोगों की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में अनेकों बार क्षत्रिय राज बना दी है। शास्त्र बहु के दंड काटने वाला है। इस बच्चे को तू भी देख जो खून चाटने वाला है। क्या बूढ़ा पसा दिखला कर अक्षत्री कुमार को डराते हो। बलिहार आप तो भूखो से पर्वत उड़ा रहे। तुम जैसल पर्वत उड़ा रहे।
उस माई के लाल नहीं। हम वैसे जो डर जाए, वह चुन मोई के पेट नहीं, जो उंगली से मुरझा जाए। अरे गुस्ताख लड़के, क्यों इतनी बातें बना रहा है? महाराज, आप इस बच्चे की बातों पर इतना ध्यान न दीजिए। भगवान बच्चों की बोली में उचित अनुचित न रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो बीच में आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहले का यह लाते भी, वीरों का भेष देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, वह सब प्रकार निर्दोषी है। सच्चा अपराधी तो मैं हूँ, खूब इसी का नाम नादानी है, खूब इसी का नाम नादानी है। यह मुझे बातों बातों में उड़ा रहा है और मेरी नकल करके मुझको हिंचिड़ा रहा है। सामने से चला जा, सामने से चला जा, वरना कच्चा चबा जाऊंगा। तुम इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, वरना बुरी दुर्गत बनाऊंगा। अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब, बिगाड़ने आए हो, कुछ सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला, तुम घी निकालने आए हो। क्या मरे धनुष के शापे में? तुम ब्राह्मण लोने आए हो? यह देख क्षत्रियों का समाज। यूं ही सिर होने आए हो। जो पुत्र ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही, हाथ आज फिर खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी पर्चे से। तेरा बलिदान करूंगा मैं। पर्चा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है? जो उसको साथ में लाए हो। यह लोहा तुमको ही शुभ हो। जिसने लहू चाटा है कलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सर काटा है। तो मुझे मत दिखाई दे बल्कि भलाई इसी में है तेरी आवाज भी मुझे सुनाई न दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। आप कानों में उंगलियां दे लो और तुम्हारे लिए तो चारों ओर सुनसान है। धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो इस पर प्रहार नहीं किया है,
यह वृक्ष कुमारा है मेरा, जो इसका अभी संहार नहीं किया। अपने दासों का लहू, अपने दासों का लहू पिए, अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फरसेगी। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है परसे की, यदि इसे काट भी डालो तो क्या। चिंता यह अनुरागी है, न्योछावर चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, संताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है, की कर रही है 12 बजे। सीता से नाता जोड़ा है, चल खड़ी होले। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू ही राम कहलाता है। मेरा ही नाम धरा कर तू मुझ पर ही दांत जमाता है, तो राम रहेगा ना रहेगा राम। इस काल कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। भृगुनाथ आप में मुझ में, सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो परशुराम, वह राम नाम चरणों पर है, वह राम आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। अभिमान प्रशंसा आरोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अधिक छेड़ता है कोई, मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए नफरसा दिखलाए उससे हम कभी न डरते हैं। हम एक शस्त्र द्वीप पर हैं, इसका हम आदर करते हैं। रामचंद्र इसको भैया को के सामने से दूर कर दो और यहां से फौरन काउंट कर दो। महाराज अब यह बिल्कुल नहीं बोलेगा। क्या वास्तव में यह तुम्हारा ही कसूर है? बेशक जो दंड आप दे मुझे मंजूर है, मुझे संदेह है कि तुमने यह धनुष उठाया है।
मुनीवर, आपने मेरे बल को भला कब आजमाया है? लीजिए यह धनुष का चीला चढ़ाकर कमा लीजिए। बस उतार लीजिए, मुझे इत्मीनान हो गया, मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा तीर किसी कमान पर चढ़ जाता है तो वह बिना किसी की जान लिए वापिस नहीं आता है। तो यह किसकी जान लेगा? तुम्हारी लेगा और किसकी? नहीं भगवान, ऐसा ना करना। भगवान, यह तीर तो आपको सहना पड़ेगा। रामचंद्र जी, इस तीर को उतार लीजिए। मुनिवर, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आइंदा के लिए अपने धनुष को किसी के आगे तीर चढ़ाने के लिए मत कहना। आप आपका समय वनों में जाकर तपस्या करने का है। हाँ भगवान, अब मैं अपना सारा जीवन तपस्या में ही लगाऊंगा। बेटा कल्याण हो, बेटा जनक तुम्हारा कल्याण हो। राजा दशरथ बारात लेकर मिथिलापुरी में पहुंचे ताकि सीता रामचंद्र का विवाह संपन्न किया जा सके। जो आज्ञा महाराज। अभी आने वाले सीन में देखिए। हमने बुलाए बुरे बुरे कारे कारे आए भी बसेरा बस
हमने बुलाए बार, हमने बुलाए बार, गंदे मंदे आई बसे, हमने बुलाए रोटी की खाई थी के हमने बुलाए लंबे लंबे, हमने बुलाए लंबे लंबे, बोले मोटे छोटे आए री बसे रे बसे रे बसे आए री बसे रे बसे रे बसे आए री बसे रे हमने बुलाए लंबे लंबे, हमने बुलाए लंबे लंबे, बोले गड़गड़े
बसेरे जाए तेरी बसेरे। हमने बुलाए जुल्फियारे, हमने बुलाए जुल्फियारे, जो पियारे आए री पसेरे, पसेरे रटे आए पसेरे। हाँ भाई, लड़की का मामा होगा उसको कन्या को बुलाओ। लड़की पसेरे होगी मेरे हमराज के भाई, थोड़ी थोड़ी बोली गाने हो जाओ।
बार बोलिया फिर आगे पैदल नहीं अगर अगर बसना फिर लड़के होगी पीछे पीछे लड़का होगा। चलिए ए गायो गीत गायो फेरे वाला के गीत गाओ। ये किसी माता का गुप्त दान किया है 21 रुपए का 12 नंबर का पैदा फेरा लीजिए तावाई है पोती पैदा फेरा लीजिए दादा की ये पोती सुजा फेरा लीजिए आओ की ये बेटी सुजा फेरा लीजिए भगवान राम और सीता माता सातों फेरों के बंधन में बन चुकी है। मैं भी नहीं